This video is sponsored by V-Card. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के रोड शो से पहले जिस मैं रोड पर हूँ उस पर थोड़ा कुछ लोग बीजेपी वाले भी मिल गए, तो मैंने सोचा जरा इनसे भी था ली जाए कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार तेलंगाना में आएगी? बीजेपी आएगा। कितना सीट? सीट्स नहीं मालूम, पर बीजेपी आएगा। अरे सीट कितना? सीट नहीं मालूम। 70 सीट आएगा सब, 70 सीट जीतेगा हमारा बीजेपी पार्टी। कंपल्सरी है तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेंगे। बीसी मुख्यमंत्री हमारा निनाद है, बीसी मुख्यमंत्री पक्का तेलंगाना में बनेंगे। कौन बीसी? बीसी मुख्यमंत्री, बीसी नाम, नाम बताओ। नाम तो डिक्लेयर नहीं करा अभी हाईकमांड, बीसी तो बनेगा। अच्छा, पहला पे बीजेपी रहेगा, दूसरा पे कौन रहेगा? सब वही बीसी मुख्यमंत्री रहेगा तेलंगाना में। बीजेपी बीजेपी का पहला हो गया, दूसरा नंबर टीआरएस आएगा या कांग्रेस आएगा? ओ बीआरएस आएगा शायद, फर्स्ट नंबर तो बीजेपी आएगा। बीआरएस का कितना सीट आएगा? बीजेपी तो बीआरएस तो मेरे को तो नहीं मालूम, हमारा 70 सीट तो जीतेंगे हमारा बीजेपी, बीआरएस तो 30-35 आएगा शायद। कांग्रेस को? कांग्रेस को थर्ड प्लेस आएगा। कितना सीट? 15 सीट 10 सीट तक आएगा शायद। यही बात है क्या? बीजेपी को 70 सीट आएगा? ना सीट्स नहीं मालूम मेरे को, बीजेपी जीतेगा हमारा। कितना बीजेपी को सीट आएगा? बीजेपी 60-70 मेजोरिटी 60 का चाहिए। आई रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर वन स्टेबलाइजर। हां 60। किसका आएगा तेलंगाना में सरकार? केसीआर, पहले केसीआर, सेकंड कांग्रेस का थे, बीजेपी लास्ट हो गए। इधर आओ, ये बोल क्या रहे? ये तो बोल रहे 70 बीजेपी आएगा। बीजेपी 10 नहीं आता, 10 नहीं आता, 10 नहीं आता बीजेपी, 10 भी नहीं आता बीजेपी को, 10 भी नहीं आता भैया, 10 आता बीजेपी। कहता 70 आता? नहीं आता, वेस्ट है वो। केसीआर को पहले आता, फर्स्ट आता, सेकंड कांग्रेस आता, बीजेपी लास्ट। ये क्या बोल रहा है? उसका हमारा बारे में नहीं मालूम, उसका जो उसका बोल रहा है हमारा। गुजरात से आया भैया, उसको नहीं मालूम। गुजरात से आया? हमारा घर इधर ही है, हम लोकल है, हम आधार कार्ड बता दे। यार कैसे वो गुजरात से? नहीं भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, मोदी लास्ट है, थर्ड प्लेस में आ रहा, केसीआर फर्स्ट, सेकंड कांग्रेस। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक फोटो लेता हूँ, सेल्फी प्लीज। अरे सेल्फी बाद में लेना सर, एक सेल्फी प्लीज। अरे सेल्फी बाद में लेना, हैदराबाद बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहा हूँ, नहीं मिले। अरे भाई सेल्फी बाद में लेना, एक प्लीज, एक चीज। किधर गया? अच्छा ले लीजिए, अभी हमारा तो शूट ही ऐसे ही चलता है। हो गया एक सर, एक और पहले मुझे बताने का किसका सरकार आने का। कांग्रेस हो सकता है सरकार तेलंगाना की आएगी, 40-60 कांग्रेस भी आएगा, सीट मिलेगा, तेलंगाना रूलिंग में रहेगा। मतलब सरकार टीआरएस ही बनाएगा? श्योर। हैदराबाद आया, बहुत बड़ी खुशी हुई। अरे मैं हर जगह जाता, अब मैं आपको अरे सुन तो लिया। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम राजीव रंजन। केसीआर सीएम बनता, उन करो सो पॉलिसी अभी तक कोई भी नहीं बना है। सुने, डबल बेडरूम मेरे जैसा गरीबों को घर देना, नेक्स्ट टाइम भी सीएम आना। सरकार बनना किसको दिया घर? उन्होंने उसके सामने वालों को दिया। बीजेपी सेंटर से है ना, उन्होंने जो काम करा तो इन्होंने कर रहा। 50% नहीं दिया अभी तक मोदी। कौन? मोदी का पैसा इन्होंने खा रहा, तुमको दे रहा क्या? उसका परिवार खा रहा पूरा, मोदी जितना दे रहा उन्होंने दे रहा, खाली BMI ना उन्हें दे रहा। केसीआर क्या दे रहा तुम्हारे को? अरे पैसे बंद हो गए तो ब्लैक में ना आए तो 15 लाख मोदी आए जब से ना।
लॉकडाउन में तुम्हारे को 6 किलो चावल कौन दे रहा? मोदी दे रहा, इन्हें दे रहा इसके घर से। क्या दे रहा मोदी बोलो? 15 लाख मोदी दे रहा बोल के तो इन्हें ब्लॉक बंद हो गए। जब 15 लाख रुपए दे तुम बोला मोदी दिया, अभी तक 1 लाख रुपए नहीं दिया अभी तक। क्या ये चोरा खा रहे ना लीडर? कोई भी नहीं खा रहे जी, पूरा चोरा। हम मेहनत करना खाना। सुना केसीआर बोल रहे थे बच्चे, इस साल उनको राजकारण दो। वो पूरा सेंटर में खराब कर दिया मोदी सरकार, उसका वो गुजराती अच्छा कर लिया, उन कुछ भी चीज तेलंगाना का सर्वनाश कर दिया मोदी। सुने और रहे और जब तू ना अरे मोदी सेंटर ला उन्ने केसीआर रीडा उन्दी कुछ भी नहीं दे रहा तेलंगाना, कुछ भी नहीं दे रहा। दारू पर अब मैं छात्रों से हटकर कुछ युवाओं से भी जानने की कोशिश करता हूँ कि युवाओं के बीच में माहौल क्या है। अब इलेक्शन 72 घंटे बचे हुए हैं, चुनाव प्रचार 24 घंटे से कम ही बचा हुआ है। आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है अभी तेलंगाना में, आपको क्या लग रहा है कि फाइट किस में है? किसको बोले तो ये तो फिलहाल फाइट बोले तो फाइट कुछ भी नहीं है। TRS गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा अभी तो, स्टूडेंट्स के लिए यंगस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहा अभी तो फिलहाल। अभी करता बोल के फिर तार चांद बोल के फिर प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे नहीं दे सकते ना। 10 साल दे के एक बार भी कुछ भी कोशिश नहीं की रहे यंगस्टर्स को। अभी करो बोले तो क्या करेंगे? अभी नया चांस आने ना कोई तो भी, इसलिए हम नया देख रहे हैं। और है कौन टफ फाइट है या नहीं ये आपको मालूम है? अभी TRS में और कांग्रेस में BJP में टफ कौन देता कि अभी वो फिलहाल कांग्रेस और BRS टफ है। 50-50 चांसेस है। क्या है कि आपके भी मालूम है क्या कुछ? अच्छा, ये कांग्रेस का किधर ज्यादा है, TRS का किधर ज्यादा है? मैं नहीं बोल सकता मैं किधर बोले तो। एक जना पे एक रहता, एक जना पे ये रहता, एक जना काम रहता काम करता, एक जना काम करके पूछता वोटा दे बोल के उन डाल देता। ऐसा भी कहीं बोलते पीपल्स आर्मी बोलते इसको ऐसे। BJP का क्या है? BJP के भाई है अच्छा काम करता ना BJP। और लास्ट टाइम MP इलेक्शन में 6 टाइम्स हमारा डिवीजन पे 6 डिविजन्स में 5 डिविजन्स BJP विन हुआ, एक MLA विन हुआ इसीलिए। नहीं लेकिन MLA तो एक ही विन हुआ, MLA मोटा गोपाली। अभी तो वो कुछ भी नहीं करा अभी तो फिलहाल, हमको हमारा एरिया को भी नहीं आया। कौन? एक बार मोटा गोपाल, राजा गोपाल, मोटा गोपाल BJP का? नहीं BRS का है वो, BRS का। अरे ये मैं कह रहा हूँ MLA तो इधर से वो राजा पूसा राजू कैंडिडेट अभी नया आदमी है। अरे यार एक ही MLA जीता था 2018 में ना BJP का। वही बोल रहा हूँ ना, वो मोटा गोपाल ही जीता BRS के साथ। मैं बोल रहा हूँ ना वही ना 2018 में वही जीता ना, मोटा गोपाल ही जीता। देखा रहा हाँ BRS ये मुशर्रफ से BJP नहीं है, कांग्रेस नहीं है। अरे भैया 2018 इलेक्शन में BJP का एक MLA जीता था ना? MLA नहीं जीता। अरे वो बोलो आप क्या नाम है उसका? उसका राजा सिंह है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो एक ही MLA जीता राजा सिंह। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है BJP का कितना MLA जीतेगा? अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, कहीं को बोलो टफ है पूरा अभी तो फिलहाल। BRS टफ है, कांग्रेस टफ है, BJP भी टफ है। कौन कौन अच्छा करते बोले तो वही उसको ही डाल देते ऐसा। ज्यादा का ज्यादा कांग्रेस आता क्यों? 70 पूरा 10 साल इसको BJP वाला को देख लिया, TRS वाला को देख लिया। हाँ अभी उसको उड़ा देते कांग्रेस वाला था। कहीं को बोले तो मैं भी बोल रहा हूँ, TRS में कौन कौन काम करते उसको ही देता। क्या पिंचिन देता और डबल बेडरूम वही उसके वाले ही देता, बाहर लोगों को नहीं देता। वही अपने लोगों को ही देता, अपना लोगों को नहीं देता, उनका टीम पे उनका पालने वाले को नहीं देते। जो कारीगर है तो कारीगरों को देते, उसका पिक्चर ऐसा वाला को। बाकी का लोग वोट डालने वाले छूते आएगा तो 10 साल देख लिए खत्म होगा। इसका दौर चला गया, इसका दौर चला गया। अभी आने वाले कांग्रेस आ रहा 70-80 तक आ जाएगा पक्का। लोग तो कह रहा है कि इसने TRS पार्टी ने इतना काम किया, इतना पैसा दिया लोग। हाँ वो पिलर का बाजू रखे, फोटो उतर के गुड़म्बा पिला के पाइप लेके पी के पेट्रोल जो सो 120 लगा के गैस 1200 लगा दिए, ऐसा लोगों को डुबा लेने हटा देना है।
अब कांग्रेस आए तो 400 रुपए आता गैस सिलेंडर, और जो सो बीजेपी बीजेपी नहीं देता, बीजेपी भी नहीं आता, 4-5 सीट आए तो बहुत बहुत हो जाएगा ये तेलंगाना में। और जो सो कांग्रेस आएगा पक्का आ जाएगा, और जो सो औरत लोग हैं जो सो बसा फ्री है, सो फ्री है, उसको दे देते वोटा। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, एक बीआरएस आने के बाद बहुत जने पीने की शौक हो गया, पीने की शराब शराब मेन हो गया तेलंगाना में। हाँ, नौजवान बच्चे खराब हो गए, पीने पी आउट हो गया, पूरा गुटखा खा रहे, मटका खा रहे, जो सो गुटखा मटका तो हर जगह का खा रहे। माहौल क्या है, मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो शाम का वक्त हो चला है, मैंने आपको युवाओं और छात्राओं के छात्रों के बीच में माहौल क्या है दिखाने की कोशिश की। अब मैं उस इलाके में हूँ जिधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होना है। कुछ लोग रोड शो के लिए जा भी रहे हैं, आप देखिए पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक तमाम लोग, और यहाँ कुछ लोग हैं। मैंने सोचा आम लोगों से बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? दीपक है मेरा नाम। आपका? महेश है मेरा नाम। महेश जी, ये जो तेलंगाना का चुनाव हो रहा है जी, अब तो 2-3 दिन बचे हैं, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, आपको आम आदमी के तौर पर बिल्कुल क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने की उम्मीद है? सरकार तो टीआरएस की बनेगी। पहले से ज्यादा बहुमत से या सीटें कम होंगी? नहीं, अभी तो सीटें तो कम होता, अभी टकाफर होगा, कंपटीशन बहुत होगा, अभी उतना आसानी से नहीं जीत सकते उन्होंने, मगर कंपटीशन रहता, मगर जीतेंगे तो उन्होंने। किससे कंपटीशन है? बीजेपी और कांग्रेस से। बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा सीट कौन पा सकते हैं? कांग्रेस पा सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उसका दिख रहा है, लोगों के सर्वे से मालूम पड़ रहा है कि वो लोग ज़रा ज़्यादा मतलब कैंपेन अच्छा है, और लोगों में उनको अभी टीआरएस से थोड़ा डिवाइड होने का जो भी वोट्स है वो कांग्रेस को जाने का चांसेस है बोल के बोल रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप हैदराबाद में रहते हैं, शहर और देहात में कुछ अंतर है क्या, गांव में और शहर में? गांव में और शहर में बहुत अंतर है, गांव में बहुत, शहर में बहुत अंतर है। सिटी क्या है, ये डेवलप्ड सिटी है, इधर कोई भी मतलब जो भी हॉस्पिटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर सिटी में रहता, गांव में कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन कुछ भी हो गया, कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी होना है तो शहर में आना पड़ता लोगों को। नहीं, ये इलेक्शन में शहर में किसी पार्टी का अलग है, गांव में किसी पार्टी का अलग है क्या? गांव का तो मुझे नहीं मालूम, सिटी का तो ऐसा है, अभी जो जैसा बताया वैसा है सिटी का। और बीजेपी का कितना देख रहे हैं? बीजेपी का तो थर्ड स्टैंड दिख रहा है अभी, फर्स्ट टीआरएस दिख रहा है, सेकंड जो है कांग्रेस दिख रहा है, थर्ड अपना बीजेपी दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है भाई? मुझे तो अभी क्या देख रहे हैं, वही जो बोला है वही देख रहे हैं। क्या बोल रहे हो यार? मुझे तो अभी क्या नहीं मालूम ना, उसमें मैंने नहीं देखा। जब आप बोलना शुरू करते हैं, हैदराबाद में 4 लोग रहते हैं, जब आप एक से बात करते हैं पलटते हैं, सब गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी दूसरे हिस्से से, हैदराबाद या तेलंगाना के दूसरे हिस्से से हाजिर होऊंगा, एक दूसरे वर्ग, एक दूसरे मुद्दे के साथ। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24, हैदराबाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी कार्ड।